जी वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर बैकएंड डेवलपर्स, क्योंकि जब भी हम बैकएंड पे काम करते हैं और बैकएंड से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूज़ किया था स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हुए हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। ओके, एफिशिएंट वे क्यों नहीं है, देखिए जब भी आप इस क्वेरी को सेंड करेंगे ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं डाटा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी किसके पास, डेटाबेस के पास। वहाँ पर जाके पहले ये कंपाइल होगी और फिर ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, मान लो हमारे पास ना 10 क्वेरीज हैं या 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे पास 100 क्वेरीज हो, हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी जावा एप्लीकेशन में रहते हुए। तो वो 100 क्वेरीज पहले जाकर क्या होंगी, कंपाइल होंगी और फिर एग्जीक्यूट होंगी। दैट्स वाई दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जितनी भी क्वेरीज हम भेज रहे हैं पहले वो कंपाइल हों फिर वो एग्जीक्यूट हों, इसमें वक्त लगेगा। कोई भी यूज़र जो हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, अगर उसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में, डेटाबेस के पास डाटा को भेजने में या डाटा को रिट्रीव करने में इतना ज़्यादा वक्त लगेगा, तो वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करेगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी सॉफ्टवेयर को, हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो वो एफिशिएंट वे हो, उसे पसंद है एप्लीकेशन। तो यही वजह है कि मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम अगर चाहें तो कर सकते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट, बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी हर बार क्वेरी क्या होगी, कंपाइल होगी पहले और फिर जाके वो एग्जीक्यूट होगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिसके अंदर कंपाइल सिर्फ एक बार हो और फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स हम भेजें वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाए, कंपाइल ना हो। ओके, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। ओके, तो अब बात करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट इज़ अ प्री कंपाइल्ड SQL स्टेटमेंट, मतलब ये कि पहले ये कंपाइल हो जाती है। ओके, हम क्या करते हैं, एक क्वेरी बना लेते हैं, वैल्यूज एंटर नहीं करते उसके अंदर, सिर्फ एक क्वेरी सेट कर देते हैं और उसको कंपाइल करवा लेते हैं। वो कंपाइल जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू सेंड करते हैं, क्वेरी सेंड नहीं करते दोबारा, क्वेरी एक ही होगी, वो कंपाइल हो चुकी, अब हम सिर्फ वैल्यूज सेंड करते रहेंगे और वो वैल्यूज डायरेक्ट एग्जीक्यूट होंगी और जिसमें हमारा वक्त बचेगा। ओके, इट इज सब इंटरफेस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट इंटरफेस है, उसके अंदर ही हमारे पास होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वो भी एक इंटरफेस है, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मेथड्स कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे पास पावर आ जाती है। ओके, इसका एक और फायदा भी है जो कि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आगे देखें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हैव सम यूजफुल एडिशनल फीचर्स देन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अ फीचर ऑफ एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड, आपको याद होगा जब हमने जावा लैंग्वेज की बेसिक्स कवर किए थे तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस के अंदर हम क्या करते थे, पैरामीटर पास करते थे, वैल्यूज पास करते थे और वो फंक्शन उनको प्रोसेस करता था और जो भी आउटपुट होता था वो हमें रिटर्न करता था। सेम इसी तरह से हम एक क्वेरी सेट कर देंगे जहाँ पर वैल्यूज होती है ना, उस जगह को हम किसी प्लेस होल्डर से सेट कर देंगे। ओके, वहाँ पर वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, वैल्यू हम बाद में पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड्स, उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। हो सकता है सुनने में ये अजीब लग रहा हो लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपने क्या करना है, इस टॉपिक को समझना है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि प्रिपेयर स्टेटमेंट प्री कंपाइल होती है, एक ही बार कंपाइल हो जाती है, बार बार इसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद थोड़े इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें, व्हेन प्रिपेयर स्टेटमेंट इज क्रिएटेड, जब ये क्रिएट होती है, द एसक्यूएल क्वेरी इज पास्ड एज पैरामीटर। तो हम पैरामीटर के तौर पे क्वेरी पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपने परेशान नहीं होना। दिस प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेन्स अ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी, सो व्हेन द प्रिपेयर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड डीबीएमएस कैन जस्ट रन द क्वेरी इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कंपाइलिंग इट। मतलब ये कि वो क्या करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, फिर एक बार उसे कंपाइल कर लिया उसने, हमने भेजा, उसने कंपाइल कर दिया, बाद में वो कंपाइल नहीं करेगा वैल्यूज को, वो डायरेक्ट उनको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो सबसे मेजर इसका एडवांटेज है ना, वो क्या है, एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज दैट दे प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स।
अब ये जो इंजेक्शन होता है ना एसक्यूएल का, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हैकिंग है। मतलब ये कि एसक्यूएल इंजेक्शन से हैकर आपके डेटाबेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपके डेटाबेस से डाटा रिट्रीव भी कर सकता है, और आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज़ किया था ना। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज सामने आपको नजर आ रही हैं, ओके, वैल्यूज हम बाद में नहीं भेज रहे, डायरेक्ट जाके वो कंपाइल हो रही हैं, क्लियर। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो बजाय इसके कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए और डेटाबेस हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है मैनिपुलेट हो जाए, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि स्टेटमेंट को रहने दें, आप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करें, ओके। अब उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के। सबसे पहले हमारे पास है सेट इंट, अगर हमने कोई इंटीजर डाटा सेंड करना है डेटाबेस के पास फॉर द एग्जीक्यूशन, तो हम सेट इंट को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए सेट स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्लोट, डबल, एग्जीक्यूट अपडेट, ये हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर भी एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड होता है और एग्जीक्यूट क्वेरी का भी मेथड होता है, ओके। उसके बाद हम बात करें अगर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, वैसे होती ये हैकिंग ही है एक टाइप की। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस, ओके। एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक, ओके। एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू आर टॉपिक, आज के टॉपिक में सिर्फ हम प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन के रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, किस तरह से डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, किस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डेटाबेस को विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, प्री कंपाइल होती है, एक बार कंपाइल हो जाती है, बाद में हम वैल्यूज पास करते हैं एज अ पैरामीटर, ओके। अब इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की जगह हम यूज करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का, ओके। यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो मेथड है ना क्रिएट स्टेटमेंट, इसकी जो पैराथीसिस है ये एम्प्टी है, इन पैराथीसिस के अंदर हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे, ओके। अब एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का, तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं PSTMT, और उसके बाद हम यूज करेंगे कौन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, और आखिर में इसे हम कर देते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है इसके अंदर हमने पैरामीटर पास करना है, ओके। पैरामीटर में क्या पास करेंगे, हम क्वेरी पास करेंगे, तो यहाँ से इसी क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और इसे हम पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, ये हमने इसे क्वेरी प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ओके, वैल्यूज की जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं विद क्वेश्चन मार्क। अब ये काम किस तरह से करेगी, इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास, वहाँ पे जाके ये कंपाइल होगी, कंपाइल होने के बाद ये स्टोर हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लियर, जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम ये वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे विच इज़ PSTMT, उसके अंदर हमारे पास मेथड होते हैं सेट, अब सेट इंट कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले हमने पैरामीटर का इंडेक्स प्रोवाइड करना है, ओके। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड वैल्यू का सेकंड इंडेक्स, तो मैं फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूंगा विच मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, उसके बाद कॉमा, और फिर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, ओके। इस तरह से मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी, इतना हो गया। अब सेकंड भी है हमारे पास, तो उसके लिए हम दोबारा से प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे STMT.setString, इसके अंदर ये भी मेथड होता है। अब सबसे पहले हमें इंडेक्स बताना होगा कि सेकंड वैल्यू है, उसके बाद कोई भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहे कोई नाम भी लिख सकते हैं। इतना हो गया, हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क को हमने क्या किया, फिर हमारे पास जो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट था उसकी हेल्प से हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी, ओके। यहाँ पर अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमारे पास कौन सा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना, क्लियर जी, ओके। अब इस बात को समझिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले
प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए एक क्वेरी जनरेट की। क्वेरी के अंदर जो वैल्यूज़ की जगह थी वहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क सेट कर दिए। ये क्वेरी सबसे पहले गई डेटाबेस के पास, वहाँ पर जाके कंपाइल हो गई। अब हमारे पास एक प्री कंपाइल्ड क्वेरी है जिसके अंदर सिर्फ हम वैल्यूज़ भेजेंगे और वो डायरेक्ट उनको एग्जीक्यूट करेगी, क्वेरी को बार बार कंपाइल नहीं करेगी। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और मैं डेटाबेस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना MySQL। तो ये है इसका वर्क बेंच, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा डेटाबेस, इसका पासवर्ड। ओके चलिए, इतना हो गया। नाउ ये है हमारे पास कॉलेज का डेटाबेस। ओके, और इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल और उसके अंदर ये वैल्यूज हैं। क्लियर जी, तीन वैल्यूज हैं हमारे पास और एक और हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, डाटा इंसर्टेड, इट मींस हमारा कोड रन हो चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आते हैं और इसको सेलेक्ट करके दोबारा से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ चुका है जो कि हमने अपने जावा एप्लीकेशन से सेंड किया और इस बार हमने यूज़ किया प्रिपेयर स्टेटमेंट का। क्लियर जी, अब मैं अगर कोई और डाटा सेंड करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से सेट मेथड का यूज़ कर लूँगा और कोई और वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अभी भी ये कोड हमारा एफिशिएंट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसे मज़ीद एफिशिएंट बनाएं। वो कैसे बना सकते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। ओके, क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे रियल लाइफ के लिए, कोई लोग उसे यूज़ कर सके, तो हम यूज़र से ही डाटा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यूज़र से डाटा लेके दिखाता हूँ आपको। और ये जो क्वेरी है इसको फ़िलहाल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो डाटा हमने क्योंकि इनपुट में ले रहे हैं तो हमें चाहिए एक स्कैनर क्लास। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर, इसको नाम देते हैं SC। ओके, उसके बाद न्यू स्कैनर। ओके जी, और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ओके जी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, नाउ नीचे आते हैं थोड़ा और यहाँ पर मैंने क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, तो इंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, और इसे नाम दे देते हैं ID, क्योंकि मैं ID ले रहा हूँ यूज़र से। और उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे और हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। ओके, फर्स्ट वैल्यू हमने यूज़र से ले ली। नाउ सेकंड, हमारे पास है स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और नाम दे देते वेरिएबल को नेम, और उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से, आई होप आपको याद होगा। चलिए जी, अब हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए और यूज़र से हमने वैल्यूज़ ले ली, इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आईडी जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम जो कि वेरिएबल का नाम है जो कि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। ये दो चीज़ें हो गई। ओके, अब इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आईडी की, तो लेट्स सपोज 159। उसके बाद डाटा इंसर्टेड का ऑप्शन आ गया, मतलब उसने हमसे सेकंड वैल्यू ली नहीं। ओके, जबकि हक बनता था कि सेकंड वैल्यू वो हमसे ले, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप पहले हमसे आईडी लें और फिर हमसे क्या लें, नेक्स्ट लाइन लें, पर उसने ऐसा नहीं किया। ओके, तो रीज़न कुछ भी नहीं है इसका। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं लाइन को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मैं नेक्स्ट को यूज़ करता हूँ जस्ट टू शो यू डैट एवरीथिंग इज ओके। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यू इनपुट करते हैं 159। ओके, नाउ वो सेकेंड वैल्यू हमसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लतीफ। ओके, नाउ एंटर। ओके, यहाँ पर देखिए वो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट एंट्री 159, ये पहले से एंट्री जा चुकी है उसके अंदर। ओके, पिछली बार जब हमने कंपाइल किया तो आईडी तो जा चुकी थी पर नेम नहीं था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ, देखिए आईडी आ चुकी है पर नेम नहीं आया। ओके, तो एक काम करते हैं, कोई और यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ 147। ओके, नाउ LATIF लतीफ। ओके, एंटर, डाटा इंसर्टेड। ओके, सक्सेसफुली। दोबारा से जाते हैं इसके अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें 147 लतीफ, ये डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, मतलब ये कि हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे, हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम यूज़र को मैसेज शो करें, यूज़र को आइडिया हो कि उसने क्या काम करना है।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एस आउट, तो फिलहाल के लिए मैं एल एन का यूज़ नहीं करना चाहता। इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपल एंटर एंटर योर आईडी, ओके, इस तरह से एंटर योर आईडी, और उसके बाद हम यूज़र से आईडी ले लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम मैसेज शो कराएंगे, अगेन आई एम नॉट यूजिंग हेयर द एल एन। तो यहाँ पर हम मैसेज शो कराएंगे एंटर योर नेम, ओके, यहाँ पर हम यूज़र से नेम ले लेंगे, ओके। अब ये थोड़ा एफिशिएंट है, दिखने में अच्छा लगेगा, यूज़र को समझ में आएगा उसने क्या करना है। नाउ वी हैव टू वेट, ओके, यहाँ पर देखें एंटर योर आईडी, तो यहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ 156। नेक्स्ट एंटर योर नेम, तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हम, ओके, एंटर, ओके, डाटा इंसर्टेड। अब देखें ये पढ़ने में भी समझ आ रहा है, ओके, कोई भी इसे देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ पहले मैंने आईडी देनी है और फिर मैंने यहाँ पर नेम देना है, ओके। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बेहतर से बेहतरीन हो। डेटाबेस में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास हम भी यहाँ पर शो हो रहा है। बेहतर बना लिया हमने इसे, काफ़ी बेहतर हो चुका है, बट स्टिल इसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद एफिशिएंट बनाया जा सकता है। कैसे, अब यहाँ पर देखें हम फिलहाल तो क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का डाटा इसमें इनपुट कर रहे हैं। अब हो सकता है मेरे पास 10 स्टूडेंट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 189। सेकंड उसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं कोड, फॉर एग्जांपल एंटर। अब सेकंड स्टूडेंट का डाटा इनपुट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट के लिए मुझे दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तरीका हो कि हम यूज़र से पहले पूछ लें कि आप कितने स्टूडेंट्स इनपुट करना चाहते हैं, और हम वहाँ पर लूप सेट करते हैं सिंपल। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, ओके, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर एक इटरेटर वेरिएबल बना लेते हैं जिसे हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं, आई, इनिशियलाइज कर देते हैं इसे 1 के साथ, ओके। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन सेट कर देनी है, कंडीशन हम यूज़र से लेंगे, ओके। तो यहाँ पर ना लूप के बाहर जाके मैं प्रिंट का यूज़ करता हूँ, एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर पहले मैं यूज़र से पूछ लूँगा डेट हाउ मैनी स्टूडेंट डू यू वॉन्ट टू एड, ओके, इस तरह से हमने मैसेज शो करा दिया यूज़र को। और उसके बाद हम यूज़र से एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल में वैल्यू ले लेंगे, तो इंटीजर में होगा इंट, यहाँ पर मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ नम, कि कितने नंबर होंगे। और उसके बाद हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे डॉट नेक्स्ट इंट, और इस तरह से हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, ओके। अब नम के अंदर हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन सेट करता हूँ कि हमारा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारे आई के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू नम नहीं हो जाती तब तक, और हर बार आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए एक का, ओके। ये हमने सेट कर दी कंडीशन, अब इसके अंदर हमने सारा कोड लिखना है। कैसे, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम इसे पिक करते हैं सारे की सारी को, ओके, एग्जीक्यूट तक ही कर लेते हैं, उसके बाद इसे कर लेते हैं जी कट कर लेते हैं, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं, ओके। नाउ अब हमारे पास एक लूप बन चुका है, ओके। सबसे पहले हम यूज़र से पूछेंगे कि आप कितने स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं, और फिर उतने स्टूडेंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्लियर। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है, ओके। नाउ वी हैव टू वेट, देखें हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू वांट टू ऐड, फॉर एग्जांपल मैं 2 स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 2 एंटर करूँगा। उसके बाद एंटर योर आईडी, तो मैं आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 654। उसके बाद एंटर योर नेम, यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जावा, एंटर। उसके बाद एंटर योर आईडी फिर से पूछ रहे हैं। अब देखें चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ना मज़ीद बेहतर हो। तो चलें यहाँ पर दोबारा से आईडी प्रोवाइड कर देते हैं 987, और नेम दोबारा से पूछ रहे हैं तो मैं C++ कर देता हूँ, C++ इज आल्सो अ वेरी गुड लैंग्वेज, और एंटर करते हैं डाटा इंसर्टेड। चलते हैं अपने डेटाबेस में, इसे सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कोड भी आ चुका है, जावा भी आ चुका है, C++ भी आ चुका है, और हमारा कोड ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है, बट स्टिल हम इसे मज़ीद एफिशिएंट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट करना है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नंबरिंग आए,
कि फर्स्ट स्टूडेंट को ऐड करो, फिर सेकंड आ जाए, सेकंड स्टूडेंट को ऐड करो, फिर थर्ड आ जाए, कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम एस आउट का यूज़ करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा एंटर ओके द डेटा ऑफ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू आए, तो कंकेटिनेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास है आई वेरिएबल, मैं अभी आपको समझाता हूँ, कोड लिख लूँ, वैल्यू ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी आ जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। ओके, अब देखें क्या होगा, सबसे पहले शो होगा एंटर द डाटा ऑफ, फिर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वन होगी, तो यहाँ पर वन आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा आ गया। दोबारा से लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी टू, तो सेकंड स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, इस तरह आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट डू यू वॉन्ट टू एड, लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू एड थ्री स्टूडेंट्स, सो थ्री, उसके बाद एंटर द डाटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर स्पेस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। तो दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कैंसिल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, ओके स्टॉप एंड री रन नाउ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू वॉन्ट टू एड, थ्री, उसके बाद एंटर द डाटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 357, नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर पाइथन। ओके, एंटर, देखें अब दो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं, एंटर डाटा ऑफ सेकंड स्टूडेंट। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर नंबर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 951, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। ओके, एंटर, यहाँ पर देखें एंटर द डाटा ऑफ थर्ड स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 682, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पर सी लैंग्वेज लिख देते हैं, एंटर। ओके, डाटा इंसर्टेड, जाते हैं डेटाबेस में, इसे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सी भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, सी प्लस प्लस भी है, पाइथन भी है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मतलब हमने कहाँ से शुरू किया, हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से शुरू किया, और हमने कोशिश की कि इसे मज़ीद बेहतर बनाएं, फिर हम लूप्स इसके अंदर लेके आ गए। नाउ स्टिल ये मज़ीद एफिशिएंट हो सकता है, मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने यहाँ पर आपको कोड कराया, प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया, आपने क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ भी करना है, और इस कोड के अंदर मज़ीद एक चेंज हम कर सकते हैं। वो क्या चेंज होना चाहिए कि जिससे हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो प्रोग्राम है वो मज़ीद यूज़र फ्रेंडली हो जाए, ओके, यूज़र को यूज़ करने में आसानी हो, तो वो क्या चीज़ कर सकते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, आपकी असाइनमेंट है, नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये वैसे आपकी असाइनमेंट है, आपको खुद करनी है। तो ये होती है जी प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमने एक बार क्वेरी लिखी, ओके, देखिए जितनी बार मैं डाटा दे रहा हूँ ना, क्वेरी मेरी एक ही है, और वो पहले से कंपाइल हो चुकी है, मुझे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं उसे, और ना ही बार बार उस क्वेरी को लिखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ पैरामीटर में वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ कुछ मेथड्स को यूज़ करते हुए, काफ़ी सिंपल है। आगे जाके जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, बैकएंड बनाएंगे, डेटाबेस भी होगा, मतलब फुल स्टैक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे हम, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रिपेयर स्टेटमेंट को हम कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।